Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, today we are going to do English. And in English, which chapter were we doing? We were doing chapter number 9. And name of chapter number 9 is A Caterpillar's Voice. So in our last class we have done present past of this chapter, and in today's class we are going to do some question answers of this chapter. So students, let's start. Our first question is, when the hare returned home, what does he see? जब जो हेयर था इस स्टोरी में, जब वो अपने घर वापस आया तो उसने क्या देखा? जब हेयर अपने घर वापस आया तो उसने क्या देखा था? Now let us see कि उसने क्या देखा. When the hare returned home, जब वो हेयर अपने घर वापस आया, he saw, उसने देखा, new marks on the ground, जमीन पर नए निशान उसने देखे. न्यू मार्क्स, नए निशान कहाँ पर? ऑन द ग्राउंड. गोइंग इन टू द केव, और वो जो निशान थे वो किस कहाँ किस तरफ जा रहे थे? उसकी केव की तरफ वो जा रहे थे. When the hare returned home, he saw new marks on the ground going into the cave. Now our next question is, the hare asked 5 animals for help. अब इस स्टोरी में जो हेयर था उसने कितने एनिमल्स से हेल्प मांगी थी? 5 एनिमल्स से. नेम देम इन राइट ऑर्डर. आपको क्या करना है? इन सभी के नेम लिखने हैं, और वो भी राइट ऑर्डर में. तो सबसे पहले वो किससे मिला था? जैकल. किससे मिला था? जैकल. जो एक जैक अल अल जैकल. और जैकल के बाद वो किससे मिला था? लेपर्ड. किससे मिला था? लेपर्ड से मिला था. एंड आफ्टर लेपर्ड वो किससे मिला? राइनोसेरस. 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 राइनोसेरस के बाद वो मिला था एलिफेंट से. और एंड में वो किससे मिला? फ्रॉग. तो ये थे वो 5 एनिमल्स जिससे वो मिला था. एंड नाउ दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन. विच ऑफ दीज एनिमल्स वॉज द क्लेवरेस्ट. अब इन सभी एनिमल्स में से कौन सा एनिमल सबसे ज्यादा क्लेवर था, चालाक था? तो कौन था वो एनिमल? फ्रॉग. फर ओग. फ्रॉग वॉज द क्लेवरेस्ट ऑफ दीज एनिमल्स. बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर के, विच यू हैव टू डू इन योर इंग्लिश नोटबुक, एंड यू हैव टू लर्न इट एज वेल. सो स्टूडेंट्स, स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ.